नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। फ्रेंड्स, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बेल्ट्रॉन की तरफ से फिर से आपके बिहार में एक नई भर्ती लेकर आ चुका हूं। आप लोग देख पा रहे हो, एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बेल्ट्रॉन के द्वारा और इसका अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट भी बता दी चुकी है। आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर इसके पद की बात करें तो आशुलिपिक के पद के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है। यहाँ पर योग्यता की बात कर लेते हैं तो 10+2 यहाँ पर पास रखा गया है। ठीक, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस निकल कर आई हुई है और लास्ट डेट यहाँ पर 15 फरवरी बताई जा रही है। तो ऑफिशियल नोटिस में और भी क्या बातें बताई गई, सारी जानकारी आपको बताएंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पर बेल्ट्रॉन से जुड़ी हर एक वैकेंसीज के बारे में हम आपको सूचना लेकर आते रहते हैं, साथ में लेटेस्ट वैकेंसी से जुड़ी आपको 2 से 3 वीडियो डेली मिल जाते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। एंड जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ, जो कि आज की न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ये न्यूज़ निकाली गई है कि स्टेनोग्राफर यानी आशुलिपिक के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना यहाँ पर जारी कर दी गई है। एंड यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों के अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर स्टेनोग्राफर यानी आशुलिपिक की सेवा उपलब्ध कराने के लिए अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करता है। इसका इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है तथा गुणवत्ता परीक्षा के पश्चात ही सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। तो चलिए रजिस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं। एंड आप लोग देख पा रहे हो, हम यहाँ पर थोड़ा जूम कर देते हैं कि संविदा के आधार पर सेवा देने के इच्छुक 10+2 पास, कंप्यूटर तथा हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफी का ज्ञान रखने वाले आशुलिपिक अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोत्साहित किए जाते हैं। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के साथ साथ आपको स्टेनोग्राफी का भी यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए, तो ये आप लोग इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और निगम के वेबसाइट www.beltron.in यानी www.vsedc.bihar.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। एंड आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया है कि www.vsedc.bihar.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 29/1/2020 से आरंभ होना, और आप लोग देख पा रहे हैं 29 जनवरी से रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट बताई जा रही है। इसके पश्चात रजिस्टर अभ्यर्थियों की CVT आधारित कंप्यूटर ज्ञान की गुणवत्ता परीक्षा MCQ आयोजित की जाएगी। आप लोगों की जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था उसी तरह आप लोगों का भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पर, जिसमें आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस निकल कर आएंगे। और परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 336 के समान होगा, जिसे निगम के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है। और इस परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात टाइपिंग दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से अलग से दी जाएगी। तो इसके बाद आप लोगों का फिर से टाइपिंग एग्जाम लिया जाएगा MCQ में, जो लोग सेलेक्ट होंगे। और हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा एक ही दिन कंप्यूटर पर ली जाएगी। दक्षता का स्तर अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट और यहाँ पर हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट रखा गया है। और यहाँ पर देख पा रहे हो करेक्ट वर्ड्स होगा। एंड यहाँ पर 10/50 सफल अभ्यर्थियों को आशुलिपिक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आशुलिपिक की वांछित गति 18 आप लोग देख पा रहे हो 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पर होनी चाहिए। एंड रजिस्ट्रेशन का रुपया आप लोग देख पा रहे हो 1000, जैसे कि आप लोगों को पता होगा बेल्ट्रॉन का शुल्क 1000 होता है, 1000 के शुल्क सहित 50 रुपया बैंकिंग चार्ज का चलान भी IOB अकाउंट नंबर इतने में जमा करना होगा, जैसे सेम प्रोसेस आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरह है, तथा चलान एवं शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण, फोटो सिग्नेचर इत्यादि रजिस्ट्रेशन हेतु अपलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का विवरण निगम के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सहायता हेतु अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वैकेंसी से जुड़ी और भी अगर यदि आप नोटिफिकेशन से कैसे अप्लाई करोगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, ये सारी चीजों के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आ जाऊंगा। और यदि ये नोटिफिकेशन यदि आप चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, या फिर टेलीग्राम सर्च कीजिए के ऑनलाइन पॉइंट और वहां पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल से आपको नोटिफिकेशन वहां पर शेयर कर दिया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसा लगा लाइक करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर।